है जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धोलाना विधानसभा के गांव खेड़ा में। आपको बता दें मौजूदा प्रधान हमारे साथ पुनीत कुमार जी मौजूद है, आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं, आज इनसे बातें करेंगे, इनसे जानेंगे एक साल के कार्यकाल में अपने गांव में क्या विकास करवाए और आने वाले चार साल जो इन पर बचे हुए हैं और क्या काम करके दिखाएंगे। पुनीत जी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आज। मेरा नाम पुनीत कुमार, ग्राम तिसौली खेड़ा, ब्लॉक धोलाना, जनपद हापुड़। जो हमारी एक साल बीती है, पिछली एक साल जो गई है, इसमें मैंने शुरुआत में धोलाना रोड से गांव की तरफ एक नाला बनवाया और मैंने पंचायत घर पर पुताई कार्य कराया, पंचायत घर पर मैंने लाइब्रेरी कार्य करवाया, पंचायत घर पर इन्वेटर लगवाया, पंचायत घर में कुछ फिटिंग अधूरी पड़ी थी वो पूरी कराई और पंचायत घर में फर्नीचर भी बनवाया मैंने कुछ, उसमें अलग से लाइब्रेरी से अलग एक स्टोर रूम बनवाया उसमें, और मैंने प्राइमरी नंबर एक स्कूल में छतों पर टाइल्स का कार्य करवाया और एक उसमें आंगनवाड़ी है पंचायत, उसमें नंबर एक स्कूल में उसके सारे दीवार का प्लास्टर छुटवा के दोबारा करवाया, पेंटिंग कराई, उस पर पुताई का कार्य कराया। और मैंने जो सोसाइटी हमारे गाँव में है, खेड़ा गेट के पास सोसाइटी है सरकारी, उसकी छतों पर टाइल्स का कार्य करवाया और उसमें पुताई का कार्य करवाया, टाइल्स दीवारों पे लगवाई, चैनल उसके यहाँ चैनल लगवाए। और मैंने अपने गांव में राजकुमार डीलर हैं उनके घर से लेके मंदिर तलक टाइल्स कार्य करवाया, खेड़ा गेट के पास टाइल्स कार्य करवाया। और मैंने चार गाँव में वाटर कूलर लगवाए विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, पंचायत घर पर लगवाया एक, एक नंबर दो प्राइमरी स्कूल में लगवाया, एक शक्ति मंदिर है उसमें लगवाया, एक शिव मंदिर है उसमें लगवाया। और मैंने कुछ गली सीसी रोड भी बनवाए हैं, एक गजेंद्र के मकान से लेके सुभाष फौजी के मकान तक छोटी गली का एक निर्माण सीसी करवाया, उसमें नाली बनवाई, एक विनोद की दुकान से लेके नगीना गुप्ता वाली गली बनवाई, एक लालचंद प्रजापति के यहाँ से लेके प्रेम प्रजापति के यहाँ तक नाली निर्माण व सीसी का रोड बनवाया, एक सत्तन तोमर के यहाँ से लेके राजपाल यादव के यहाँ तक सीसी का कार्य कराया, एक मैंने शक्ति मंदिर से लेके और शिव कुमार प्रजापति के यहाँ तक वो बनवाया सीसी रोड, और मैंने विभिन्न स्थानों पे गांव में लाइट का कार्य कराया। और मैंने इस कार्य गांव में बहुत विभिन्न स्थानों पर चैनल का कार्य करवाया। और प्रधान जी, जैसे आपको अब हमने देखा बहुत सारे आपने गांव में काम करवाया, अभी हम आ रहे थे रास्ता में एक सौंदर्यकरण का बहुत बढ़िया तालाब बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में अमृत सरोवर तालाब बन रहा है जिस पर कार्य प्रगति पर है, और उसके बराबर में ओपन जिम एक पार्क अटैच उसी के साथ एक ओपन जिम तैयार, उस पर कार्य प्रगति चल रहा है, 15 अगस्त तक वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और वहाँ बहुत ट्रैक घूमने का चारों तरफ उस पर ट्रैक भी तैयार हो रहा है। तो प्रधान जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया, करीब 25-30 काम करवा दिए एक साल के कार्यकाल में, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि चार साल अभी आपके पास समय है, वो चार साल में आप क्या काम करके दिखाएंगे? मैं अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूं। इस बार सरकार की निधि बहुत कम आ रही है, पर फिर भी कोई नहीं, सरकार के साथ हमें अपना कार्यशैली से कार्य करना है। और मेरे यहाँ पर गाँव में पास नज़दीक में फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं चाहता हूँ कि उनसे मदद लूँ, हाथ जोड़कर विनती करूं उनसे, उनसे कुछ भिक्षा मांगूं, उनसे लेके अपने गांव के विकास के लिए कुछ उससे विकास हो जाए, कि गांव में जगह जगह कूड़ियां पड़ी हैं ढेर, कोई स्थान एक वो मैं एक वो ले लूं, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह कुछ ऐसी चीज़ यंत्र ले लूं उनसे, पैसे से सहयोग से उनके से, तो मैं गाँव की जो गंदगी सफा कर सकूँ। तो प्रधान जी, जैसे कि युवा बेरोजगार है, आप तो किसी को सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते, लेकिन अपने प्रधान के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का जो भी युवा बेरोजगार है, जो हमारे गांव की सीमा में फैक्ट्री लगी हुई है, मेरा सिर ये रहता है कि वहां पर ये इन्हें मजदूरी कार्य मिले, इन्हें नौकरी लगनी चाहिए इनकी। हमारे साथ पुनीत कुमार प्रधान जी खेड़ा के मौजूद थे, जो कि एक साल के कार्यकाल में अपने गाँव में बहुत अच्छा विकास किया, और जैसे जैसे सरकारी योजना आते रहेगा अपने गाँव को डिजिटल बनाएंगे, और गाँव का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, ओपन जिम का भी काम चल रहा है। हमारे साथ बने रहिए, हम इस तरह से आपको पल पल की खबर अपने चैनल में देते रहेंगे। चैनल न्यूज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने कैमरामैन सहयोगी आसिफ के साथ।